मैंने अपनी लाइफ में इस तरह किसी को इक्तदार से निकलकर दोबारा वापस पावर में आते नहीं देखा। मतलब आप सोचें, ये क्रेडिट जाता है वेदर यू लाइक इमरान खान पॉलिसीज और नॉट, वेदर यू हैव नजरियाती इख्तलाफ विद हिम और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ दैट, यानी एक शख्स जो है उसकी पावर खत्म हो गई, चाहे तहरीक अदम एतमाद आई उनको निकाला गया या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए, इस पावर वॉज फिनिश्ड इन द फेडरल और कुछ ही दिनों बाद इस पावर वॉज फिनिश्ड इन पंजाब। अब पूरी पीडीएम एक तरफ, 11 पार्टियां और पूरी फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ, पूरी पंजाब की गवर्नमेंट एक तरफ, यानी कि हमजा शहबाज के अंडर ये सारा इलेक्शन हो रहा था। और इमरान खान ने जो 20 सीटें जीती हैं, ये सिर्फ मामला 20 का नहीं, उन्होंने पूरा पंजाब जीता है। एक शख्स जो इक्तदार से निकाल दिया गया हो या इक्तदार से हट चुका हो, एक शख्स जो कि जिसके पास कोई पावर नहीं है, केपी की पावर तो कोई पावर नहीं थी ना फेडरल लेवल पे या पंजाब की पावर से कंपैरिजन नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग, उसके बाद वो वापस आए और एक ऐसे इलेक्शन में जिसमें पंजाब में उसकी गवर्नमेंट भी नहीं है, उसके मुखालफीन की गवर्नमेंट है, उस वहाँ पे रियासत भी है, पुलिस भी मुखालफीन की है, वहाँ पे वो जाकर पंजाब को जीत ले, तो ये सिर्फ 20 सीटों का मामला नहीं है, ये इमरान खान की एक पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप, और मैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने कल ट्वीट भी